हेलो एंड वेलकम गाइस टू अपडेट एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज निकल के सामने आई है आई आर ई एल की तरफ से जो डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्जाम चार तारीख और ग्यारह तारीख को हुआ था उसका आंसर की आ चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल मेल आया है इस मेल में ऑफिशियली कहा गया है कि आंसर की और क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए गए हैं वेबसाइट पे लिखा हुआ है रेफरेंस इज मेड टू हैल्ड ऑन चार नौ दो हजार बाईस और ग्यारह नौ दो हजार बाईस फॉर द वेरियस पोस्ट इन आई आर ई एल and and the the answer keys and the question एंड दीज एंड क्वेश्चन पेपर hai नाउ अवेलेबल ऑन दिंक ये अपलोडेड है, है. आंसर की सिर्फ चार दिन के लिए विजिबल होगा से, के बीच में नौ बाईस, ए, मतलब आज आज ग्यारह बजे से दिखना चालू हो चुका है और सोलह नौ दो हजार बाईस पांच बजे तक ही दिखेगा तो कैसे आप चेक करेंगे वो अब मैं बता देता हूँ सिंपल जो लिंक दिया हुआ है इसपे आप क्लिक कर लीजिएगा जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप आई आर ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा हुआ है सीओ एच आर एम जीरो जॉब वैकेंसी आई थी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म किया था फिर जब इसका एडमिट कार्ड भी आया था तो भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के आपको अपडेट दिया था अब इसका आंसर की और क्वेश्चन पेपर रिलीज हो चुका है तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन हर वक्त मिलती रहे जब इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस समय भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इस जॉब से रिलेटेड हर अपडेट पा सके यहाँ पे अब ऑफिशियल टाइमलाइन में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की फॉर द पोस्ट ऑफ़ ट्रेनी आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट कर दे जाएंगे इस पेज पे यहाँ पे आपको सिंपली अपना रोल नंबर पोस्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ भर के सबमिट कर देना है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपका आंसर की एक चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस करने वाली है वो है यहाँ पाँच सौ रुपये लगेगा हर क्वेश्चन पे अगर आप ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो मतलब आपके अगर चार क्वेश्चन हैं आप चार क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो आपको टू थाउजेंड रुपीज़ पे करना होगा हर क्वेश्चन पे पाँच सौ रुपये आपको देना होगा और फिर यहाँ पर एक चीज़ और जो हाईलाइट किया हुआ है वही डेट तेरह दे तारीख से सोलह तारीख के बीच में ही आप यहाँ से कि देख सकते हैं तो जिन बच्चों ने भी इस एग्ज़ाम में अपीयर किया था वो नीचे कमेंट करें कि उनकी कितनी मार्क्स आने की संभावना है कैसा उनका एग्ज़ाम गया था उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है तो बस इसी टाइप के जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए जॉब वैकेंसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मैं अब आप आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर यू नेक्स्ट एग्जामिनेशन